दिल्ली में बढ़ते संकट के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में हर महीने सीरो सर्वे कराया जाएगा। दिल्ली में पहले सीरो सर्वे सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था, लेकिन अब पूरे शहर का सर्वे होगा जो कि हर महीने के पहले सप्ताह में होगा। केजरीवाल सरकार के इस ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट से एक डराने वाला खुलासा हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली की करीब एक चौथाई आबादी कोरोना से संक्रमित हो गई है। दिल्ली में 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच किए सर्वे से पता चला है कि दिल्ली में 23.48% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी मौजूद है। बड़ी बात ये है कि इसमें से ज्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने सीरोलॉजी कोरोना के लक्षण नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने सीरोलॉजी टेस्ट में उन लोगों को ही शामिल किया गया था जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। बीजेपी का कहना है कि सर्वे केंद्र ने काफी पहले निकायों के साथ मिलकर शुरू कर दिया था। केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये सर्वे दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए किया गया है। सर्वे से ये पता लगा है कि संक्रमण कम्युनिटी में कितना फैला हुआ है। अब वायरस से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। संक्रमण बढ़ने के बाद भी सभी लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बाकी के नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी है। इस पर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल खाली ऐलान करते हैं, कुछ और काम नहीं होते। सीरो सर्वे तो दिल्ली सरकार ने बहुत बाद में शुरू किया। ICMR की गाइडलाइन थी, इन्हें अप्रैल में शुरू करना था, तो उन्होंने 24 अप्रैल को पत्र लिखा था दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को कि आप सीरो सर्वे प्रारंभ कीजिए। इतनी देरी उन्होंने की है, केंद्र सरकार के दखल के बाद वो काम शुरू हो पाया, जिसमें निगम के पब्लिक हेल्थ से जुड़े डिपार्टमेंट के लोगों ने भी इसमें बहुत मदद की है और वो सर्वे कंडक्ट हो पाया है। मैं समझता हूं कि सीरो सर्वे जो पहले कराना चाहिए बहुत देर कर दी है। और बाकी मुख्यमंत्री साहब तो बातें तो बहुत करते हैं, वो घोषणाएं भी करते हैं, बातें भी करते हैं, एक एक बात के लिए चार चार बार पांच पांच बार घोषणाएं करते हैं और एक काम के लिए पांच बार छह बार क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कोरोना संक्रमण किस तरीके से लोगों की जान ले रहा है ये जनता से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। केंद्र सरकार हो या केजरीवाल सरकार, दोनों ही दावे करने में लगी है कि उनकी वजह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलने पर रोक लग पाई है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।